हरियाणा के अंबाला जिले में कबूतरबाजी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के जिला परिषद सदस्य एवं चेयरमैन बनने के प्रबल दावेदार मक्खन लबारा बुरे फंसे हैं। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि डीएसपी ने की है। दरअसल पुलिस ने कबूतरबाजी के इस बड़े मामले में बीते दिन 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। अब छठे आरोपी के तौर पर मक्खन सिंह लबाना को गिरफ्तार किया गया है। उसने अरेस्ट किया, इसकी इन्वॉल्वमेंट आई थी उसमें। सर कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? कल पेश करें। रिमांड मांगा जाएगा सर? बिल्कुल, रिमांड मांग के आगे तफ्तीश करें। आम आदमी पार्टी वाले उसको लेकर धरना दे रहे हैं अभी? वो पता चला कि आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता है और जिला परिषद का मेंबर भी बना हुआ, उनकी पार्टी है, उनको डेमोक्रेटिक राइट है। वहीं इसके विरोध में आज आप नेता चित्रा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने राहत देते हुए आदेश दिया है कि मक्खन सिंह इस चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पर सरासर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, जब से जिला परिषद का चुनाव हुआ और जिला परिषद चुनाव के अंदर भाजपा की करारी हार हुई, तभी से सबको अंदेशा हो गया था कि अब आगे कुछ भी सीधे तरीके से नहीं रहेगा। ऑपरेशन लोटस जो हम सुनते आए हैं पूरे देश में, आज अम्बाला में पिछले कई दिनों से वो पूरी तरह से जड़ पकड़ने में लगा हुआ था। जो आम आदमी पार्टी के जिला परिषद मेंबर और यहाँ के सबसे प्रबल दावेदार थे चेयरमैन कैंडिडेटशिप के मक्खन सिंह लबाना जी, उनको एक फर्जी केस में एक शामिल तफ्तीश के बहाने उनके घर से परसों उठा लिया गया था। और साफ जाहिर होता है कि ये सब आगामी जो आज का चुनाव था इसके अंदर उनकी चेयरमैनशिप को रोकने का और उसे हाईजैक करने का भाजपा का एक बहुत गंदा प्लान था। कल के चुनाव के अंदर सब जानते हैं सिर्फ 5 मेंबर आए थे, बाकी सब ने इसका बहिष्कार किया। और इसको जब स्थगित करा गया तो सिर्फ अगले दिन की डायरेक्ट डेट दे दी गई। सब जिलों में जहां पर ये स्थगित हुआ है वहां पर डेट जनवरी की लगी है। यहां पर ऐसी क्या बात थी कि समय नहीं देना चाहते थे? वो सीधी बात ये थी कि कल से बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें अम्बाला कैंट के एक होटल है वहाँ पर हमारा इंडियन रोलर, वहाँ पर सी आई स्टाफ की गाड़ियाँ बाहर लगी हुई थी और 3 वहाँ पर प्रत्याशी उसके अंदर नज़रबंद थे। उन प्रत्याशियों की तस्वीरें भी आम आदमी पार्टी के हैंडल से आज ट्वीट हुई हैं। सड़क पे इंडियन रोलर के बाहर वो खड़े हुए हैं और आज सवेरे 9 प्रत्याशियों को पुलिस कस्टडी के अंदर यहाँ पर पेश करा गया है। जाहिर है 15 मेंबर के जिला परिषद के अंदर किसी भी हद पे किसी भी लिमिट को पार करके भाजपा आज उसे हाईजैक करके अपना चेयरमैन, अपनी पसंद का चेयरमैन बनाने में लगी हुई है। आज हम ये कहेंगे कि मक्खन सिंह लबाना जी को जिस साजिश के तहत इन्होंने धरा था, जिस मंशा से धरा था, एक तो उसकी हार कल हुई जब मेजॉरिटी मेंबर्स ने कल के चुनाव का बहिष्कार किया, और आज एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की ये हुई है कि हाई कोर्ट ने अभी अभी जो हियरिंग करी है उसके अंदर प्रशासन को, पुलिस को बहुत सख्त फटकार मारी, जहां उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कैसे कैंडिडेट को चुनाव की ईव पर उठा के ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट का अभी अभी वहां से ऑर्डर हुआ है कि मक्खन सिंह लबाना जी को चुनाव की हर प्रक्रिया में हिस्सा लेने दिया जाए। और बहुत बड़ी बात उससे भी ऊपर जो हाई कोर्ट ने कही है कि जब तक मक्खन सिंह लबाना जी आज की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, आज की चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, नहीं करवाई जा सकती, वोटिंग नहीं हो सकती, उसे मान्यता नहीं मिलेगी। उत्तरी हरियाणा संयोजक चित्रा सरवारा ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज को अपने गृह जिले में अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। जिला परिषद के चुनाव में लबाना का चेयरमैन बनना लगभग तय था। सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में एंट्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें, जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।